हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्पोर्ट। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हेनरी फील्डिंग के लाइफ एंड वर्क्स को। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा क्वेश्चन है राइट अ ब्रीफ नोट ऑन लाइफ एंड वर्क्स ऑफ हेनरी फील्डिंग। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को। हमारा आंसर है हेनरी फील्डिंग वॉज अ रिनॉन्ड इंग्लिश नॉवलिस्ट एज वेल एज अ ड्रामेटिस्ट ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी विच इज सपोज टू बी द ट्रांजिशन पीरियड इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। हेनरी फील्डिंग जो थे वो एक रेनॉन्ड इंग्लिश नॉवलिस्ट थे, एक बहुत ही प्रसिद्ध और जाने माने उपन्यासकार थे, और इसके साथ ही साथ वह एक इंग्लिश ड्रामेटिस्ट भी थे ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी 18वीं शताब्दी के दौरान। 18वीं शताब्दी को ट्रांजिशन पीरियड माना जाता है इंग्लिश लिटरेचर में। ही वॉज बॉर्न ऑन 22 अप्रैल इन 707 इन एन एरिस्टोक्रेटिक फैमिली एट सेफ्रम पार्क, यूनाइटेड किंगडम। हेनरी फील्डिंग का जन्म हुआ था 22 अप्रैल 1707 को, एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में हुआ था, एक अभिजात वर्ग के परिवार में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो सेफ्रम पार्क में, जो कि है यूनाइटेड किंगडम में। ही वॉज अ वेल नोन लिटरेरी फिगर ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी कॉल्ड ऑगस्टन पीरियड। हेनरी फील्डिंग एक जाने माने लिटरेरी फिगर थे किस टाइम के? तो मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के मध्य में। हेनरी फील्डिंग एक प्रसिद्ध नॉवेलिस्ट थे, एक लिटरेरी फिगर थे, और इस एज को क्या कहा जाता है? तो ऑगस्टन पीरियड। ही रिसीव्ड हिज एजुकेशन एट एटॉन कॉलेज। हेनरी फील्डिंग ने अपनी शिक्षा कहाँ से प्राप्त किया? तो एटॉन कॉलेज से। ही वॉन्टेड टू स्टडी लॉ बट ही कुड नॉट डू सो एज हिज फादर रिफ्यूज टू हेल्प हिम फाइनेंशियली, एंड फाइनली ही डिसाइडेड टू लुक फॉर हिज करियर इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर एज प्ले राइट। हेनरी फील्डिंग स्टडी करना चाहते थे लॉ को, लॉ की पढ़ाई करना चाहते थे। वह एक बैरिस्टर बनना चाहते थे पर उनके फादर ने उन्हें मना कर दिया फाइनेंशियली हेल्प करने से। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो लिटरेचर की दुनिया में एज अ प्ले राइट अपना नाम बनाएंगे, अपना कैरियर इसी में बनाएंगे। ही लॉस्ट हिज मदर एट द एज ऑफ 11। 11 साल के जब थे हेनरी फील्डिंग, तब उनकी माता की मृत्यु हो गई थी। ही हैड अ पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ टू लव अफेयर्स, फर्स्ट विद मिस सारा एंड्रयू एंड सेकेंड विद मिस शार्लट क्रेडक। हेनरी फील्डिंग का दो लव अफेयर था, पहला था मिस सारा एंड्रयू के साथ और दूसरा था मिस शार्लट क्रेडक के साथ। ही मैरिड मिस शार्लट क्रेडक इन 1734। 1734 में हेनरी फील्डिंग ने मिस शार्लेट क्रेडिक के साथ शादी किया था। फील्डिंग स्टार्टेड हिज लिटरेरी कैरियर विद इंग्लिश प्लेस एंड रॉट नियरली 16 प्लेस, बट ही डिड नॉट गेन मच पॉपुलैरिटी एज अ ड्रामेटिस्ट। हेनरी फील्डिंग ने अपना जो लिटरेरी कैरियर था इंग्लिश लिटरेचर में, वो कैसे स्टार्ट किया? तो राइटिंग प्लेस, प्लेस को लिखकर अपना लिटरेरी कैरियर स्टार्ट किया, और टोटल ऑलमोस्ट 16 प्लेस उन्होंने लिखा था, पर उन्हें कोई खास पॉपुलैरिटी नहीं मिला। सम ऑफ हिज फेमस प्लेस इंक्लूड, यहाँ पे कुछ उनके फेमस प्लेस के नाम दिए हुए हैं, जिनमें से शामिल है लव इन सेवरल मॉस्क्यूज 1728। लव इन सेवरल मॉस्क्यूज जो है वो हेनरी फील्डिंग का एक प्ले है जिसे पब्लिश किया गया था 1728 में। ट्रेजेडी ऑफ ट्रेजेडीज 1731, द कोवेंट गार्डन ट्रेजेडी 1732, द माइजर 1733, डॉन क्विक्सोट इन इंग्लैंड 1734, और लास्ट है पेसक्वीन जो कि पब्लिश हुआ था 1736 में। ये सारे जो हैं ये हेनरी फील्डिंग के प्लेज हैं। ही यूज टू सेटराइज द पॉलिटिकल फिगर्स इन हिज प्लेज। हेनरी फील्डिंग अपने वर्क में, अपने प्लेज में क्या करते थे? तो पॉलिटिकल फिगर्स को सेटराइज करते थे। हिज प्लेज यूज टू क्रिटिसाइज द वर्क्स ऑफ गवर्नमेंट, और उनका जो प्लेज था उनमें वह गवर्नमेंट के काम को सेटराइज करते थे, क्रिटिसाइज करते थे, एंड पॉलिटिकल फिगर्स, और पॉलिटिकल फिगर्स को भी क्रिटिसाइज करते थे अपने वर्क्स के थ्रू। इट इज बिलीव्ड दैट, ऐसा माना जाता है दैट द थिएट्रिकल लाइसेंसिंग एक्ट ऑफ 1737 वॉज पास्ड इन रिस्पॉन्स टू हिज सेटराइजिंग एक्टिविटी। 1737 में एक थिएट्रिकल लाइसेंसिंग एक्ट जो है वो लागू हुआ था, पारित किया गया था, और ऐसा माना जाता है कि ये जो एक्ट था वो हेनरी फील्डिंग को बैन करने के लिए लागू किया गया था। इन ऑर्डर टू बैन हिम, हेनरी फील्डिंग को बैन करने के लिए लागू किया गया था, क्योंकि हेनरी फील्डिंग अपने वर्क्स में पॉलिटिकल फिगर्स को और गवर्नमेंट के काम को अक्सर सेटराइज करते रहते थे।
द अबव आर नो डाउट वेल नोन प्लेस ऑफ फील्डिंग देयर आफ्टर ही रियलाइज डैट हिज जीनियस वॉज नॉट फिट फॉर प्ले राइटिंग एंड डिसाइडेड टू चेंज हिज फे। यहाँ पर जो ऊपर जितने भी प्लेस के नाम दिए हुए हैं, बेशक ये सब बहुत ही पॉपुलर वर्क्स हैं, हेनरी फील्डिंग के बहुत ही पॉपुलर प्लेस हैं, पर हेनरी फील्डिंग को ऐसा लगा कि उनका जो जीनियस है, उनका जो इंटरेस्ट है, वो प्ले राइटिंग पर सूट नहीं करता है, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वह अपना रास्ता बदल लेंगे। ही एम्बार्क्ड इनटू अ करियर इन लॉ, और उन्होंने लॉ में करियर बनाने का सोचा, विच वॉज हिज फर्स्ट गोल, जो कि हेनरी फील्डिंग का फर्स्ट गोल था, एंड बिकेम अ बैरिस्टर, और वो लॉ की पढ़ाई किए और बैरिस्टर बन गए। ही लेफ्ट द थिएटर। एक्चुअली में क्या है कि हेनरी फील्डिंग जो थे एक थिएटर में मैनेजर भी थे, तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि हेनरी फील्डिंग थिएटर को लेफ्ट कर दिए, छोड़ दिए, बट कंटिन्यूड हिज राइटिंग इवन आफ्टर ही बिकेम अ बैरिस्टर। हेनरी फील्डिंग भले ही थिएटर को छोड़ दिए, बट क्या हुआ कि वो पर उन्होंने अपना राइटिंग करियर को स्टार्ट ही रखा अब बैरिस्टर बनने के बाद भी। ही बिगेन टू राइट नॉवेल एंड पब्लिश्ड हिज फर्स्ट नॉवेल जोसेफ एंड्रयूज। उन्होंने अब नॉवेल लिखना स्टार्ट किया और उनका जो फर्स्ट नॉवेल था उसका नाम है जोसेफ एंड्रयूज, जो कि पब्लिश हुआ था 1742 में। ऐसा अक्सर एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है कि हेनरी फील्डिंग का फर्स्ट नॉवेल क्या था, तो आंसर हो जाएगा जोसेफ एंड्रयूज, जिसे पब्लिश किया गया था 1742 में। ही ट्राई टू प्रेजेंट अ पैरोडी टू पामेला बाय सैमुअल रिचर्डसन विच वॉज हिज फेमस नॉवेल। जोसेफ एंड्रयूज में हेनरी फील्डिंग ने प्रेजेंट करने की कोशिश किया है एक पैरोडी को, जो कि पामेला पर लिखा था। पामेला एक नॉवेल है जिसे लिखा गया था सैमुअल रिचर्डसन के द्वारा। रिचर्डसन का पामेला जो है वो एक फेमस नॉवेल है। जोसेफ एंड्रयू गॉट ह्यूज सक्सेस। हेनरी फील्डिंग का जो नॉवेल था, फर्स्ट नॉवेल जोसेफ एंड्रयूज, उसे काफी प्रसिद्धि मिली। फील्डिंग ट्राई टू गिव अ न्यू टच टू द इंग्लिश नॉवेल बाय दिस क्रिएशन, और इस क्रिएशन के द्वारा, इस वर्क के द्वारा हेनरी फील्डिंग जो थे वो इंग्लिश नॉवेल में एक न्यू टच देना चाहते थे। ही पब्लिश्ड हिज आयरोनिकल फिक्शन जोनाथन वाइल्ड इन 1743 होगा। जोनाथन वाइल्ड जो है वो 1743 में पब्लिश हुआ था और ये एक आयरोनिकल फिक्शन था। ही ऑल्सो ट्राइड हिज हैंड एट जर्नलिज्म। उन्होंने अपना करियर बनाने का कोशिश किया था जर्नलिज्म में भी। ही गेन्ड मच पॉपुलैरिटी एज अ सैटिरिस्ट एंड मॉरलिस्ट आफ्टर हिज मास्टरपीस वर्क टॉम जॉन्स पब्लिश्ड इन 1749। हेनरी फील्डिंग को बहुत ही ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिला था जब उन्होंने अपना एक सैटिरिस्ट और एक मॉरलिस्ट नॉवल, जो कि उनका मास्टरपीस वर्क है जिसका नाम है टॉम जॉन्स, उसे पब्लिश किया था, और ये पब्लिश हुआ था 1749 में। द प्रेजेंट नॉवल ऑफ फील्डिंग डिपिक्ट्स द एडवेंचर ऑफ अ मैलिशियस, मैलिशियस मीन्स होता है विकेड, हीरो ऑफ लो सोशल क्लास हु लिव्स इन अ करप्ट सोसाइटी। फील्डिंग का ये जो नॉवल है टॉम जॉन्स, इस नॉवल में वह एक विकेड हीरो के एडवेंचर्स को डिस्क्राइब करते हैं, जो कि एक लो सोशल क्लास में रहता है और उनका जो सोसाइटी है वो काफ़ी करप्ट था। दिस इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट बुक ऑफ फील्डिंग, और टॉम जॉन्स को हेनरी फील्डिंग का बेस्ट बुक माना जाता है, एंड वन ऑफ द पॉपुलर नॉवेल्स ऑफ 18th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर। इसके साथ ही साथ 18th सेंचुरी के इंग्लिश लिटरेचर का एक पॉपुलर नॉवल भी माना जाता है टॉम जॉन्स को। टॉम जॉन्स एंड जोसेफ एंड्रयूज आर द सटायरिकल वर्क ऑफ फील्डिंग मेड हिम क्वाइट पॉपुलर एज ए नॉवलिस्ट, और ये दोनों ही वर्क थे टॉम जॉन्स और जोसेफ एंड्रयूज जिन्होंने हेनरी फील्डिंग को बहुत ही ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कराया और उन्हें एक नॉवलिस्ट के रूप में प्रसिद्धि मिली। ही रॉट एमेलिया एंड अ वॉयज टू लिस्बन इन 1751। हेनरी फील्डिंग ने एमेलिया और वॉयज टू लिस्बन लिखा था 1751 में। फील्डिंग बिलीव दैट अ वर्क ऑफ फिक्शन इज सपोज्ड टू टेल द ट्रूथ ऑफ सोसाइटी। हेनरी फील्डिंग का मानना था कि एक फिक्शनल वर्क का काम होता है सोसाइटी के ट्रूथ को बताना। टॉम जॉन्स ऑफ फील्डिंग इज नॉट ओनली अ फिक्शनल वर्क, और जो हेनरी फील्डिंग का टॉम जॉन्स है वो सिर्फ एक फिक्शनल वर्क नहीं है, बट बेस्ड ऑन द हिस्ट्री, बल्कि यह इतिहास पर बेस्ड है। बाय दिस वर्क ही मीन्स अ रियलिस्टिक अकाउंट ऑफ लाइफ ऑफ हिज टाइम, और इस वर्क के द्वारा हेनरी फील्डिंग जो है वो अपने समय के एक रियलिस्टिक अकाउंट को प्रेजेंट करते हैं। द 18th सेंचुरी इज द सेंचुरी ऑफ प्रोज एज वेल एज राइज ऑफ नॉवेल एज अ न्यू लिटरेरी जेनर।
जो 18 सेंचुरी का दौर है उसे उसे सेंचुरी ऑफ प्रोज कहा जाता है, और इसी दौरान नॉवेल भी राइज हुआ था एक न्यू लिटरेरी जैनर की तरह। वी फाइंड अ ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ हेनरी फील्डिंग टू द राइज ऑफ नॉवेल, और हेनरी फील्डिंग नॉवेल के राइज में एक अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए थे, कॉन्ट्रीब्यूट किए थे ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ दिस न्यू मोड ऑफ राइटिंग इन इंग्लिश लिटरेचर। ये जो न्यू मोड था राइटिंग का इंग्लिश लिटरेचर में, मतलब कि नॉवेल का जब प्राइज हो रहा था तब हेनरी फील्डिंग ने अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था नॉवेल को राइज करने में। फील्डिंग लिव्ड अ शॉर्ट लाइफ बट ऑक्यूपाइड अ ग्रेट प्लेस अमॉन्ग द ग्रेट नॉवेलिस्ट। फील्डिंग लिव्ड अ शॉर्ट लाइफ बट ऑक्यूपाइड अ ग्रेट प्लेस अमॉन्ग द ग्रेट नॉवेलिस्ट फॉर हिज सेंस ऑफ सिंबोलिज्म एंड रियलिज्म। हेनरी फील्डिंग का लाइफ जो था वो काफी शॉर्ट था, बहुत ही कम समय तक वो जिंदा रहे, पर उन्होंने ऑक्यूपाई किया है एक ग्रेट प्लेस उन महान नॉवेलिस्ट में, उन कुछ ग्रेट नॉवेलिस्ट में से एक नाम हेनरी फील्डिंग का भी है। और उन्हें किस लिए जाना जाता है, तो उनके सिंबोलिज्म के लिए, हिज सेंस ऑफ सिंबोलिज्म एंड रियलिज्म। वो रियलिज्म अपने नॉवेल्स में यूज किया करते थे और सिंबोलिज्म का भी यूज करते थे। हिज वर्क शो डैट ही वॉज अ मैन विद अ पैशन फॉर रिफॉर्म एंड जस्टिस। हेनरी फील्डिंग के वर्क को पढ़कर ऐसा लगता है कि हेनरी फील्डिंग एक ऐसे व्यक्ति थे जो सोसाइटी को रिफॉर्म करना चाहते थे और जस्टिस के हक में काम करते थे। ही डाइड ऑन द 8 अक्टूबर 1754 एट लिस्बन पोर्टुगल। हेनरी फील्डिंग का डेथ हुआ था 8 अक्टूबर को 1754 में, कहाँ पर हुआ था, तो लिस्बन में जो कि पुर्तगाल में है। यहाँ पर हमारा आंसर खत्म होता है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो के थ्रू अगर आपका हेल्प हुआ हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।